अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम, शाहिद महमूद मेरा नाम है। शाहिद साहब क्या करते? मैं फ्यूल इंजीनियर हूँ। कर लिए? जी हाँ, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लास्ट सेमेस्टर। तो सारे कोर्सेज क्लियर है पिछले? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगता है, नौकरी हासिल करना इजी होगा या मुश्किल? बहुत मुश्किल हो गया। इसके दौरे हुकूमत में ज्यादा मुश्किल हमारे लिए तो बस जॉब मिलनी चाहिए जिसकी भी हुकूमत हो, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है, लेकिन इसमें तो बहुत ही जो है वो डिफिकल्ट हो गया। दावे किए जाते हैं ना, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इतने लाख नौकरियां दूंगा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं लैपटॉप दूंगा। तो आपको क्या लगता है, किसके दौरे हुकूमत में ज्यादा चांसेस होते हैं नौकरियाँ मिलने के, रोजगार? हमें जब नौकरी मिलेगी तो हमें तो तब कन्फर्म होगा, पता चलेगा कि कौन दे रहा है। अब बातें जो है वो बनाकर जो हर बंदा कह सकता है कि जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आसमान गिरा दूंगा, लेकिन जब तक आपको मिलेगी वो चीज़ तो तब तक कुछ नहीं करेंगे, तभी यकीन आएगा। जी वोट किसको देते? वोट मैंने जो है वो पीटीआई को दिया था 2018 में, पीटीआई को। जी अब नेक्स्ट का जो है वो अभी फैसला करूँगा, देखो क्या बोलता है। नून लीग के जाने वाले आप? नहीं, मैं नॉन नून लीग का हूँ, ना ही मैं पीटीआई का। ठीक है जी, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जो अब आवाम को गुमराह करने के लिए मेरी झूठी वीडियो जो है वो चोर टोला जो है वो वायरल करेगा, अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब की ऐसी कोई वीडियो आ जाती है, यकीन करेंगे उस वीडियो पे? नहीं यकीन करूँगा। क्यों? इसलिए कि क्योंकि अब हमें तो अब आजकल का वायरल का है, कोई भी किसी की वीडियो मिलती है ना तो उस पर हमें अगर कोई 10% मिलता है ना तो 80% खुद उसको जो है वो बढ़ा कर जो है चीज़ को दिखाना होता है हमारे। क्या लगता है इमरान खान साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि चोर टोला जो है मेरी वीडियो? वो तो डेफिनेटली जो है वो नून लीग को ही करेंगे। वो तो आपको लगता है कि नून लीग के पास ऐसी वीडियोस मौजूद? अगर वो इस तरह का है तो वो होगी उनके पास, क्योंकि वो अगर इस तरह का वाक्य है। जी चलें जी, अगर वो इमरान खान साहब कह रहे हैं तो हो सकती हैं, अगर कोई ऐसी वीडियो आई तो इमरान खान साहब की वैल्यू आपकी नज़र में, आपके दिल में कम होगी? डेफिनेटली वो तो होगी, जब देखते हैं एक बंदा चाहे फेक हो तो फिर पता तो चलता है, तो वो तो होता ही है एक दफ़ा कि हाँ कि ये वाक्य है। हमें जब रियलिटी का असल हकीकत का नहीं पता चलता तब तक तो नहीं होता। इमरान खान साहब को मैसेज कर दो, इमरान खान आई लव यू। ही लव्स यू इमरान खान साहब। तो अगर वीडियो आएगी तो इनको बुरा लगेगा कि हमारे लीडर की वीडियो कैसे आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? हसन से मेरा नाम। हसन साहब क्या करते हैं? तो मैं टीचर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। वाओ, टीचर भी हैं स्टूडेंट भी हैं, तो स्टूडेंट पढ़ते क्या? मैं एमफिल कर रहा हूँ बॉटनी में। बॉटनी में एमफिल कर रहे हैं, तो आपने तो साथ साथ ही रोजगार हासिल कर लिया, अच्छा गुजर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। कौन सा सेमेस्टर? मेरा लास्ट सेमेस्टर है बस। लास्ट सेमेस्टर, वोट किसको देते? वोट स्टार्ट में जब पहले तो मेरा वोट था नहीं, और जब से रजिस्टर हुआ तो मैंने वैसे पीपी को दिया था, और लेकिन 2018 में। जी 2018 में पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो को दिया था या जरदारी साहब को दे? नहीं जरदारी साहब को नहीं, एक्चुअली वो जो वहाँ पे एमपी रह चुके हैं हमारे एरिया में, वैसे बेसिकली हम लैया से हैं, तो वो अंकल हैं हमारे, तो मेरे अंकल थे। रिश्तेदारी का वोट था तब, तो वो देना पड़ा। वो लगता है कि रिश्तेदारी का वोट देना चाहिए? नहीं अब नहीं लगता। आप किसको दे? इंशाल्लाह इमरान खान को। इमरान खान को देना है। इमरान खान साहब ने कहा है कि अब चोर टोला जो है मेरी फेक वीडियोस वायरल करेगा, अगर ऐसी कोई वीडियोस आ जाती है तो इमरान खान की वैल्यू आपकी नज़रों में कम हो? सर मैम ये हम ये चीज़ें नहीं देखेंगे, ये चीज़ें काउंट नहीं करेंगे। वैसे पाकिस्तान के जो हालात रहे हैं उनके दौर में भी हमने उनको फिर भी मतलब ये मतलब मुल्क के अंदर के लिए मतलब तक नहीं देखा, इंटरनेशनल लेवल पे देखा कि उनका इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या काम रहे हैं उनके। तो मेरे ख्याल में मैं उनको वोट सिर्फ इसी बेस पे दूंगा कि वो जब उनकी गवर्नमेंट आती है तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मामला कैसे सर उठा के जी सकते? जी जी मैं हमारी इज्जत में इजाफा होता है आपको लगता? जी जी बिल्कुल। वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान साहब को मैसेज क्या दें कैमरे के थ्रू अगर वो? मैसेज बस उनके लिए ये है कि सर कीप इट अप, वी लव यू। He loves you, they loves you, इमरान खान साहब की पिक पर कोई फर्क नहीं पड़ता वीडियोस आए या ना आए, क्योंकि आपकी कारकर्दगी जो है इंटरनेशनली बेहतर थी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद जिशान। जिशान साहब क्या करते? मैं टीचिंग करता हूँ और साथ एमफिल है, मेरी स्टडी चल रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का स्टूडेंट हूँ। चले जी, मुझे ये बताएं कि कौन सा सेमेस्टर? मेरा फाइनल है। तो जॉब आप तो साथ साथ ही कर रहे हैं, वोट किसको देते?
वोट जो है 2018 में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिया था, वाजे सी बात है। लेकिन वाजे कैसे है जी? वाजे बात है ना, वो खुद दिया है, खुद पे एतबार था, खुद अभी भी मोहब्बत, अभी भी मोहब्बत थी, अब है नहीं है। अब कैसी मोहब्बत है जी, ये बदल गई? मोहब्बत बदली है हालात ने, वाकयात ने, कुछ जज्बात ने, ये सारे ख्यालात ने बदली है। तो अब नई मोहब्बत, अब नई मोहब्बत अब इमरान खान साहब हैं, लेकिन जब जो इमरान खान साहब की कैबिनेट है ना, उसके अंदर से ना उनको जब देखते हैं तो फिर पुरानों की मोहब्बत उजागर होती है। जो पुराने बंदे हैं ना, बहुत सारे ऐसे जो परवेज मुशर्रफ के दौर में परवेज मुशर्रफ के और नून लीग के दौर में नून लीग के, इस तरह के खाली के बैंगन हैं, खाली के बैंगन हैं। तो ये बताएं, अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी फेक वीडियोज़ बना के मुझे जो है बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, अगर ऐसी कोई वीडियोज़ आई, आपकी नज़र में इमरान खान साहब की वैल्यू कम हो? नहीं, देखें, इस चीज़ का उसके साथ ज़ाती लाइफ स्टाइल का कोई कंसर्न नहीं करता। वो कैसे हैं ये दुनिया सारी जानती हैं, उनकी पॉलिटिक्स क्या है, वो लोगों के मफाद परस्त क्या हैं या क्या नहीं है, वो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जो भी हो, हमें उनसे कोई इशू नहीं है। हमें ये करना चाहिए, देखेंगे वीडियो या कहेंगे नहीं जी मेरे लीडर की वीडियो मैं तो देखना भी पसंद, हमें देखने भी पसंद नहीं करते। हमने ये देखना है हमारे मुल्क के लिए बेनिफिशियल कौन है, हमारे मुल्क को बेनिफिट कौन पहुँचा रहा है, कौन हमारी आलमी मार्केट में हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के, हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली नस्ल के लिए कौन बात करता है, ना कि ये सिर्फ के मौजूदा ढोल कौन बजा रहा है। हमें इनके ढोल के पीछे नहीं जाना, पहले हमने अपनी बड़ी लाइफ इन लोगों के लिए, हमारे 71 साल 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को, जिसमें से इमरान खान को 3 से 4 साल 3 साल मिले हैं, बाकी सारे साल इन्हीं को मिले हैं। और ये कहते हैं मुल्क बड़ा गर्क हो गया, खसारे में चला गया, और भाई अब तक नहीं निकला तो कब निकालोगे? अगर एक निकालने आया तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। हमें इमरान खान से कोई मसला नहीं है, और मैं इमरान खान को सिर्फ एक ही मैसेज करूंगा, इनको छोड़ना नहीं, इनको छोड़ना नहीं है जी, छोड़ना नहीं है, इनको आखिरी दम तक इनके साथ लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पीछे अपनी जानों के नजराने भी देने के लिए तैयार हैं। पढ़ने की कॉल दी तो जाएंगे जी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम पढ़े लिखे लोग नहीं जाएंगे तो फिर हम दूसरे लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हम अगर जानते हैं कि खान साहब को समझने के लिए कम से कम एफ ए तलीम बंदे की लाजमी होनी चाहिए, फिर वो खान साहब की सोच को समझ सकते हैं कि खान साहब बात क्या कर रहे हैं, अपनी आने वाली नस्ल को पैगाम क्या दे रहे हैं। उनकी बात ऐसे राहगीर लोग समझना मेरे ख्याल में पॉसिबल है, जैसे हम जो नवाज शरीफ के सपोर्टर होते थे पहले बिरयानी वाले, या जैसे मेरे भाई ने कहा कि अभी बिरयानी खाई जलसे में? नहीं, मौका नहीं मिला या प्लेट ही नहीं मिल पा? दिल्ली ने किया ना ही, हमें टाइम ऑफर हुई, ऑफर भी नहीं हुआ। हाँ, खैर सलाह में ऑफर भी नहीं हुई, जैसे भाई ने कहा ना, हम ना रिलेटिव की बेस पे वोट देते हैं। मैं इस बात का बिल्कुल मुखालिफ, मेरे जिसको भी मैंने वोट दिया, मेरे एक दफ़ा मास्टर थे, खालू थे, वो खड़े थे, मैंने उन्हें वोट नहीं दिया। तो आपने कहा होगा ना, मास्टर मेरा क्यों बन जाए MLA या MPA, ये कैसे ऊपर जा सकता है, इसको तो वोट नहीं दे रहा, ज़ाया कर दो। वो मेरिट पर नहीं था, जो मैरिट में, और जब आप खान साहब को जो पिछली मरतबा लास्ट टाइम हमारे हल्के में बंदा खड़ा किया था इन्होंने, वो भी मैरिट पे नहीं था, वो वोट की कैपेबिलिटी नहीं रखता था, वो इस काबिल नहीं था कि उसको वोट दिया जाए, इसलिए। लेकिन आप जो इन्होंने बंदा, कौन सा एरिया हमारा? लैया। आप क्या चाहते हैं, लैया से कौन खड़ा हो? हम ये चाहते हैं कि लैया से सलार हैदर थिंद, वो लड़का यंग जनरेशन ने नई यूथ लेकर आए, ना कि वो शहाबुद्दीन खान सैयद जो कि पिछले 25 साल से इलेक्शन लड़ रहा है, और वो उसके बेटे लंदन में पढ़ रहे हैं। हमारे लिए वो एक डिग्री कॉलेज नहीं बनाया, ना उसने डिग्री कॉलेज बनाया, अब वो लाइफ स्टाइल का सेक्रेटरी है। और मैं उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके तवसत से कि खुदा रहा अपने हल्के की आवाम का अब तो सोच लो। उसने यकीन करें पीने के लिए दरिया का पानी इतना ज़्यादा आया, सैलाब आया, हमारा वाहद डिस्ट्रिक्ट लैया ऐसा है जिसके अंदर गैसेज भी है, और इसके अलावा देहराई कटाव भी है, और हमारे लिए के अंदर हर तरह की नेमत है। लेकिन हमारे जो है नुमाइंदे, लेकिन जो नुमाइंदे वो अच्छे साथ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नामजद कर दिया इमरान खान साहब, उन्होंने कि लैया में कौन कैंडिडेट बेहतर है जो आवाम की पसंद भी है और आवाम के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकता है। मजीद लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि किसका वोट है और क्या इमरान खान साहब की वीडियो अगर आती है उससे कोई फर्क पड़ेगा। इनका ये कहना था कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इमरान खान साहब की कोई भी वीडियो आ जाए, बल्कि वो तो देखना भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं।